नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु सामुएल जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानंकु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज मध्य ईश्वर वाक्य बाइबल रु रोमियो पुस्तक 8 पर्व 1 पद ठारु 17 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मूल प्रसंग पवित्र आत्मा को अनुसरण करी विजयर जीवन। एठारे प्रकार लेखा जाए, अतएव जो माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कौनसी दंडाज्ञा नाही, कारण जीवनदायक आत्मांक व्यवस्था ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे तुम्हकु पाप ओ मृत्युदायक व्यवस्थारु मुक्त करिअछि। जेणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जहाँ साधन करिपारला नाही, ता ईश्वर अपना पुत्रंक पापमय शरीरर सादृश्यरे पाप विनाश निमन्ते प्रेरण करी शरीरर पापको दंडाज्ञा देवा द्वारा कले, जेपरी शारीरिक भावानुसारे आचरण न करी आत्मिक भावानुसारे आचरण करिथाउ, जे आम्भे माने आम्भो मानंकठारे व्यवस्थार धर्मविधि सफल हुए। कारण जो माने शारीरिक मना सेमाने शारीरिक विषयरे मनोजोग करंती, किंतु जो माने आत्मिक मना सेमाने आत्मिक विषय रे मनोजोग करंती। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक, किंतु आत्मिक भाव जीवन ओ शांतिदायक। जेणु शारीरिक भाव ईश्वरंक विरुद्ध रे शत्रुता, कारण ताहा ईश्वरंक व्यवस्थार वशीभूत नुहे, पुणी वशीभूत हेबा असंभव। जो माने शरीरर बसरे अछंती सेमाने ईश्वरंक संतोष पात्र होई पारंती नाही, किंतु ईश्वरंक आत्मा जदि तुम्भमानक ठारे बास करंती ताहले तुम्भे माने शरीरर बसरे नाहो मात्र आत्मांक बसरे अछो। जदि केही ख्रीष्टंक आत्मा पाइ नथाय तबे से ताहांकर नुहे, किंतु जदि ख्रीष्ट तुम्भमानक ठारे थांती ताहले शरीर पाप हेतु मृत अटे, मात्र आत्मा धार्मिकता हेतु जीवित अटे। आउ जे मृतमानंक मध्यरु जीशुंकु उठाइले ताहांकर आत्मा जदि तुम्भमानंक ठारे बास करंती तेबे जे मृतमानंक मध्यरु ख्रीष्ट जीशुंकु उठाइले से तुम्भमानंक ठारे बास करुथिबा आपणा आत्मांक द्वारा तुम्भमानंक मर्त शरीरकु मध्य जीवित करिवे। अतएव हे भाई माने, आम्भे माने ऋणी किंतु शारीरिक भावानुसारे जीवन जापन करिवाकु शरीर निकटरे नुहे, कारण जदि शारीरिक भावानुसारे तुम्भे माने जीवन जापन कर तेबे अवश्य मरिबो, किंतु जदि आत्मांक द्वारा तुम्भे माने शरीरर कर्म सबुकु विनाश कर तेबे जीवित हेबो। जेणु जेते लोक ईश्वरंक आत्मांक द्वारा चालित हुअंती सेमाने ईश्वरंक संतान, कारण तुम्भे माने पुनर्बार भय करिबा निमन्ते दासत्वर आत्मा पाइनाह, किंतु पुत्रत्वर आत्मा पाइअछ। तद्वारा आम्भे माने अब्बा पिता बोली डाकिथाउ, आम्भे माने ईश्वरंक संतान बोली सही आत्मा स्वयं आम्भमानंक आत्मांक सहित साक्ष्य प्रदान करंती। आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी अर्थात जदि ख्रीष्टंक सहित गौरव नित्य मध्य हेबा निमन्ते आम्भे माने ताहांक संगरे दुख भोग करु, तेबे ईश्वरंक उत्तराधिकारी ओ ख्रीष्टंक सह उत्तराधिकारी अटु। आसन्तु मोर प्रिय माने पठित शास्त्रांशकु बुझिबा निमन्ते चेष्टा करू। जो माने पापर अधीनतारे रही निंदा एवं दोष हेतु क्रंदन करूथिले सेमाने वर्तमान पवित्र आत्मांक अधीनरे विश्वास द्वारा पाप विरुद्धरे साहसर सहित लढ़ी पारिबे।
जदियो आमे पाप करू एवं भूल होइथाय तथापि पवित्र आत्मा आमको प्रतिदिन पापी मानक ठारु धार्मिक व्यक्ति रे परिणत करंती एवं पुनरुत्थान माध्यम रे एही परिवर्तन को शेष दिन रे समाप्त करिवे। एणु आजिर एही शारीरिक यंत्रणा को भय करिबा उचित नुहे। हेतु जदियो आज आम दुख भोग तथापि आम ईश्वर संतान और जो मैंने ईश्वर आत्मा द्वारा परिचालित से माने ईश्वर राज्यर उत्तराधिकारी ईश्वर किए अटंती आसतु मोर प्रिय मैंने देख जो मैंने जीशुंठे बास करती से मानू ईश्वर पाप और मृत्युर नियमरु मुक्त कर जो माने पवित्र आत्मा को ठारे बास करती से मानको जीवन पवित्र आत्मा को नियम भावे कार्य करती ख्रीष्टों ठारे से मानकर आउ कौनसी आपत्ति नहीं। आसंतु निंदा करिबा परिवर्ते जीवन रे आत्मा क्षमा एवं शांतिर नियम अधीन रे अन्य मानको उदार भावरे क्षमा एवं प्रेम करू। आजिरो शास्त्रांश ईश्वर मान को कौन सिखाते आसतु मोर प्रिय मैंने आम मैंने शिखु एवं अपना जीवन रे प्रयोग करने निम्ते चेष्टा करू। शारीरिक जीवन को अनुसरण करिबा एवं पवित्र आत्मा को अनुसरण करिबार जीवन आम चिंताधारा सहित आरंभ हुए। जेतेबेले आम आम चिंताधारा को निज निष्ठा एवं इच्छा अपेक्षा पवित्र आत्मा कार्य उत्सर्ग करिथाउ सेतेबेले आमे पाप विहीन होई ईश्वरीय शक्ति को व्यवहार करि पारिबा। आज आपणको चिंताधारा केउ आडकु गति करूअछि वो केउ चिंताधारा आपणको मनकु पूर्ण करूअछि ईश्वर आजर ध्यान रे आम प्रत्येकको आशीर्वाद करंतु। असंतु मोर प्रिय माने प्रार्थना करिबा। हे प्रभु शारीरिक इच्छा अनुसार चालित न हो आत्मा द्वारा चालित हेबारे आम प्रत्येक को साहाज्य करंतु। जीशुं नाम रे ए प्रार्थना मागिली आमेन।